सरहद फ़िक्र तखयल से कहीं बाला है नूर की आँख से देखो तो अली आला है अलाम साहब नजफ़ अशरफ नजफ़ का नूर नजफ़ की तारीख नजफ़ की कराम पर अभी गुफ्तु जारी थी अब नजफ़ का जब इसके बारे में हमने आपसे इस हासिल किया है मज़ीद कुछ ज़ेली इसके हम आपकी तदमत पेश करेंगे अमीर उमोमिन ने जब यहाँ कोफ़ा में क्वार्टर बनाया और खारजी ये साजिश चल रही थी क्योंकि अब हम आखिरी गुफ्तु के मरहल में है। आज शहादत अमीर उमिन का दिन है मुमिन जुलूस और मजालस में मसरूफ़ हैं तो यकीन मसाइब के गोशे भी इस गुफ्तु में शामिल होंगे क्या साजिश हुई कि मस्जिद कोफ़ा में फुस्तौबर रबुलबा की एक आवाज़ बुलंद हुई और बेशक के वो बड़ा कामयाबी का दिन था मगर उस दिन दुश्मन की एक साजिश कामयाब हुई और इब्ने मुल्जिम की तलवार अली इब्ने अल्नब के सर पर पड़ी और बाकी लोगों के बारे में जो वाकयात बयान होते हैं वो नाकाम हुए इसके ऊपर क्या वाक़ हुआ था वाक़ पर रोशनी डालिए फिर हम मजीद आगे कुछ लोगों को बढ़ाएँगे देखिए जो बयान किया जाता है वो ये है कि भाई तीन खारजी जो हैं वो खाने काबा में जमा हुए और उन्होंने कसम खाई कि हम तीन अफराद को कत्ल करेंगे उसमें पहला नाम अमिरिन का था दूसरा इब्ने आज का था और तीसरा जो है वो हाकिम शाम का था तो अमर इब्ने आज और सब ने तय किया कि भाई उन्नीस रमज़ान की सुबह को फजर के बाद एक ही दिन में सब पे हमला होगा और मख्तल शहरों में ये लोग रवाना हो गए तो आमिर इब्ने आज के बारे में एक है कि वो नमाजी पढ़ाने नहीं आए तो वो तो वैसे ही बच गए माविया जो है उनके हल्की सी ज़रब लगी तो वो महफूज हो गए बाकी अली जो हैं उनके सर पर ज़रबत लगी अच्छा अब ये सारी चीज़ें जो हैं ये अगर आप इसका जायज़ा लें तो इससे अंदाज़ा होता है कि भाई ये तीन आदमियों के बस की बात नहीं थी कि वो इतनी बड़ी शख़्सियात पे इतनी आसानी के साथ हमला कर देते तो ये दरअसल जो है वो एक पूरी साजिश थी और जो अमीराम के नुमाया दुश्मन थे उन्होंने अपने कारिंदे इस काम के लिए लगा दिए थे कि किसी तरह से जो है वो अली को कत्ल कर दिया जाए तो इसके इशारे हमें उन बयानात से मिलते हैं कि जब जैसे जैसे रमज़ान आगे बढ़ रहा था तो आपके बाद चाहने वाले आपको तनहा नहीं छोड़ते थे और जब आप जाने का कहते थे तो वो ये कहा करते थे कि हमारे कानों में ये आवाज़ें आ रही हैं कि आपके जान को ख़तरा है और कभी भी जो है वो आप पर हमला किया जा सकता है ये जुमला ये बतला रहा है कि साजिशें पहले से हो रही थी अच्छा फिर काल ने नमाज फज्र ही का इंतखब क्यों किया मस्जिद का इंतखब क्यों किया क्योंकि वो ये जानता था कि अली अगर तनह कहीं मिल सकते हैं तो वो कोफे की महराब है कोफे की मस्जिद है कि जहाँ कोई मददगार और कोई तलवार और कोई सिपाही जो है वह अली के साथ नहीं होता और अली अपनी में दायरे मजबूर होंगे और अली होंगे दरमियान में कोई नहीं होगा और वही हुआ और कहा जाता है कि जब आप पर ज़रबत पड़ी तो आपने अपना हाथ मस्जिद कोफ़ा की दीवार पर रखा तो वो दीवार नर्म हो गई और हाथ का निशान जो है वो उस दीवार में बाकी रह गया तो इब्ने बतूता जब वहाँ गया और उसने जीारत की उस मकाम की तो उस हाथ का जिक्र उसके सफ़रनामे में मौजूद है अमीरुल मोमिन का जो है मौसम और उस लम्हे में भी आप क़ुरान की आयतों की तिलावत करते थे और जो मशहूर आयत है कि हम इसी ज़मीन से निकाले गए हैं इसी में वापस जाएंगे और ये कह के आप मस्जिद की खाक जो है वो अपने ज़ख्म पे डालते जाते थे ये खाक डालना भी एक मसलहत थी यानी पैगंबर अक्रम के ज़माने में एक जंग में जब कोई ज़ख्मी हुआ और ख़ून उसका रुक नहीं रहा था तो आपने खाक उठा के इसके ज़ख़म पे डाल दी थी क्योंकि उसके ख़ून के बहाव में कमी आ जाती है तो वो खाक आप अपने क्योंकि अभी इतने दिन आपको रहना था कि आप वसीयतें कर लें अपने घर वालों से मिल रहे हैं चाहने वालों से मिल रहे हैं तो एक एक अमल में अमीरुल मोमिनीन की हमत थी और उसके बाद ज़ाहिर है कि जब शोर हुआ और इमाम हसन और हुसैन आए तो इमाम हसन ने जो है वो नमाज़ को तमाम किया तो कहते ये हैं कि जब आपको ले कर चले और घर में आए और आपके सर पर पट्टी बांधी गई और सारे वो तो उस आलम में भी दावे सलूनी कर रहे थे अभी भी अगर तुम मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ लो तो ये सलूनी का दावा इतनी मरतबा हो चुका था अब वक्त आखिर इसकी वजह क्या थी वक्त आखिर वजह ये थी कि तलवार और जहर का असर अंदर तक सराहियत कर चुका था और अगर आप इसको दुनियावी एतबार तो से देखें हम तो ज़ाहिर के इमाम और मजूम मानते हैं अगर दुनियावी एबार तो से देखें तो ऐसा इंसान कि जिसके दिमाग में जहर का असर फैल गया हो वो गुफ्तगू के, 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 के काबिल भी नहीं रहता ना नहीं और न न सिर्फ ये कि वो सलूनी का दावा करे, दावा करे। तो ये दावा करके आपने बतला दिया कि मैं उस मोहम्मद का वारिस हूँ कि वक्त आखिर भी ना उसके दिमाग पर असर था और ना हिजियान के कुछ आसार थे तो मैं वारिस मोहम्मद हूँ और उस आलम में भी जो सवालत हुए जैसा कि पूछा गया कि आप आदम से कैसे अफजल हैं नू से कैसे अफजल हैं इब्राहिम से कैसे अफजल हैं मूसा से कैसे अफजल हैं तो ये वक्त आखिर के सवाल हैं और कुछ सवाल यहूदियों ने भी आपसे किए थे यहूदियों की एक जमात मिलने के लिए आई थी उसको आपने जवाब दिए कोई भी मुसलमान उन जवाब में कोई भी खामी नहीं तलाश कर सकता कि अली ने यह बात गलत की थी यानी इंतहा ज़ख्मी हालत में भी इलमी जवाब दे के आपने सबित कर दिया कि हमारे दिमागों पर किसी का असर नहीं होता ने उस मौके पर भी कोई पेश या कोई यक़ीन र है कि जब आप अपने, अपने असाब को वसीयत कर चुके और एक अरसा आपने अपने दोस्तों के साथ गुजारा और जब आप खुदा हाफ़ कर चुके तो फिर घरवालों की बारी आई घरवालों में इमाम हसन को वसीत की इमाम हसन को वसीियत करने के बाद आपने एक एक बेटे को वसीयत की और जब सबको वसीियत की तो आपके कान में किसी बीवी के रोने की आवाज़ आई और जब पूछा गया कि इस वक्त कौन रो रहा है तो बताया गया कि ये जनाब मलबन हैं कि जो रो रही हैं और जब बुलाया गया तो पूछा गया कि मलबन इस वक्त रोने की वजह क्या है तो आपने एक अजीब जुमला कहा कि आपने सबको जो है वो इमाम हसन के हवाले की है लेकिन मेरे अब्बास का आपने कोई तस्करा नहीं किया आपकी आँखों से आंसू जारी हो गए और वही वक्त था कि आपने इमाम को बुलाया और हज़रत जैनब को बुलाया और उसके बाद हज़रत अब्बाद को वो शरफ़ बख्शा जो किसी और को ना हुआ सबका हाथ इमाम हसन के हाथ में दिया लेकिन इमाम हुसैन का हाथ हजरत अब्बाद के हाथ में दिया और कहा कि अब्बाद मैं हुसैन को तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ एक तो ये फजीलत और दूसरा शरफ़ ये कि आपने जनाब ज़ैनब से कहा जाओ और जा कर एकम जो मेरे हुजरे में रखा है वो ले आओ तो जब अलम आया तो अपने हाथ से हजरत अब्बास के हाथ में अलम दिया और जनाब जनाबुल को मुखातिब करके कहा कि वो मिलबन देख रही हो आज हमने तुम्हारे अब्बास को अलमदार बना दिया आई, आई। तो ये पूरा जब सारा वाक़ हो चुका उसके बाद कुछ बातें दोस्तों से कें कुछ, इमामे से कुछ इमाम हसन से कं कुछ इमाम हुसैन से कं कुछ हजरत अब्बास से कहीं कुछ मोहम्मद हनफियत से कहीं आखिर में आपने हजरत ज़ैनब को बुलाया और हजरत ज़ैनब जाहिर है कि बेटी से बाप की मोहब्बत और बाप की बेटी से मोहब्बत क्या होती है तो आपने सबसे पहले यह कहा कि ज़ैनब तुम्हें मेरी शहादत के बाद ऊपे और शाम के बाज़ारों में जाना है और उसके बाद कहा कि तुम्हारे बाप ने हर मुश्किल में हर नबी की मदद की और हर चाहने वाले के मैं काम आया तो बेटी अगर ज़िंदगी में मुश्किल से मुश्किल वक्त आए तो तुम मुझे आवाज़ देना और मैं तुम्हारी मदद के लिए आ जाऊँगा तो आपने देखा कि जब जनाब जैनब मदीने से चली तो आपने बाप को नहीं पुकारा जब आप करबला आई तो आपने बाप को आवाज़ नहीं दी जब शब आशूर आई तो अपने बाप को न बुलाया हती के जब लाशें आना शुरू हुए बच्चों के लाशें आए भतीजों के लाशें आए यहाँ तक के हजरत अली अकबर का लाशा आया मगर बाप को नहीं पुकारा यहाँ तक के भाई को शहीद होते हुए देखा मगर बाप को आवाज़ न दी कोफे और च... कोफे के बाज़ारों से गुज़री कोफे के दरबार में गई मगर बाप को नहीं पुकारा लेकिन इनतहा मसाई वहाँ पर हुई कि जब शाम के बाजार से गुज़र के शाम के दरबार में जाने का मौका आया तो वही वक्त था कि आपने सैद सज्जाद से कहा कि बेटा अब पुपी में हिम्मत नहीं है कि दरबार में जाए और शराबियों का सामना हो तो वही मंजिल थी कि आपने नजब का रुख किया और अपने बाबा को आवाज़ दी तो सब ने देखा कि घोड़ा सवार आया और और अपने नकाब को हटाया तो देखा कि अली मौजूद थे और इशारा करके कहा कि जैनब अगर चींों को बख्शवाना है तो ये वही मंजिल है कि तुम्हें बाज़ार में जाना होगा अलामा बस आखिरी गुफ्तु के मरल के शहादत अमीराममिन की हो गई और कोफे का माहौल पुराशोब है अब इस वक्त दो शहजादे और दोनों आइमा इमाम अफसन इमाम से मौजूद हैं क्या एकदम हमत अमली हुई और क्या था मंज़र जो कि सामने आया मोहदी के इसको दोबारा रिकॉर्ड करें भाई भाई कोई दूसरा सवाल